नमस्कार दोस्तों, आज हम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आयोजित टीजीटी साइंस के पेपर का सलूशन देखेंगे जो 2019 में हुआ था। इसमें हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन का सलूशन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन हम जल्द ही अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इन ए मिक्सचर ऑफ बीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इंक्रीज बाई 10 फोल्ड। हमसे पूछा गया है पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा और हमको दिया गया है एसिड टू सॉल्ट इंक्रीज बाय 10 फोल्ड। चूंकि हम जानते हैं पीएच इज इक्वल टू होता है पीके प्लस लॉग सॉल्ट ऑब्लिक एसिड। अब ये इक्वल टू हो जाएगा पीके प्लस लॉग, चूंकि ये वैल्यू दी हुई है एसिड टू सॉल्ट रेशियो इज इक्वल टू 10, तो ये इन्वर्स हो जाएगा 1/10। अब ये इक्वल टू हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग 10^-1। चूंकि हम जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1, पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा इतना। चूंकि पी के में से वैल्यू 1 घट रही है तो इसका आंसर होगा पी एच इज डिक्रीज्ड बाई 1। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज बाई 1। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज ए सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट। द रीजन फॉर दिस एनालॉमस बिहेवियर ऑफ ग्रेफाइट इज, ये कह रहा है ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट है, फिर भी इसको बहुत डिफिकल्ट है मेल्ट करना, क्यों, इसका रीजन क्या है। चूंकि हम जानते हैं जो ग्रेफाइट होता है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का, एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का, और ये हेक्सागोनली अरेंज होता है, जैसे कि ये एक तरीके से हेक्सागोनली अरेंज होता है। और इनके बीच में ये कार्बन का एटम है, इनके इनके बीच में वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कार्बन के एटम को बहुत स्ट्रॉन्गली हेल्ड करता है, जिसकी वजह से इसको बहुत डिफिकल्ट होता है मेल्ट करना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हैज़ ए कार्बन एटम अरेंज्ड इन ए लास्ट प्लेट ऑफ ए रिंग स्ट्रॉन्गली बाउंडेड बाई कार्बन एटम विद वीक वांडरवाल फोर्स या वीक इंटरप्लेट बॉन्ड। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है इज ए नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ग्रेफाइट इज एन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इसका तीसरा ऑप्शन हैज ए मॉलिक्यूल ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास लाइक द पॉलीमर, ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें सारे कार्बन के एटम ही ज्वाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन है इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डायमंड, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का, इसके 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा जो होता है वो फुल रिन होता है। तो ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है कार्बन का और इसके 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड ग्रेफाइट एंड फुल रिन। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर ए माइनर पार्किंग प्लॉट एक्सीडेंट, कारें जो होता है वो ब्लॉक आउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूअर्ड बेस्ट। ये कार ए हम मान लेते हैं, कार बी जो है वो जा रहा है ड्राइविंग टूअर्ड नॉर्थ, ये 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल सिस्टम ऑफ द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कंजर्व होती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जिसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। चूंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, इसलिए मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं, पी नेट इज इक्वल टू एम नेट इंटू वी नेट। अब हम वी नेट निकालेंगे, वी नेट इज इक्वल टू रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, तो इससे वी नेट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा इसका ये वी नेट। अब हम पी नेट लिखेंगे,
नेट हमको दिया हुआ है 1000 kg, वी नेट हम लिखेंगे 50 cm/s में, ये वैल्यू आ रही है, इसको मीटर में चेंज करेंगे 10^-2 हो जाएगा, तो पी नेट हो जाएगा 500 kg/s नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं इसमें ये नॉर्थ टू वेस्ट ये जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे जनरली नॉर्थ टू वेस्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा, 500 kg/s जनरली नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इफ यू अप्लाई ए फंजीसाइड इन ए कॉर्न फील्ड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड नेट इकोसिस्टम प्रोडक्ट। चूंकि हम जानते हैं कि फंजाई आर द डिकम्पोजर, वैन बी अप्लाई फंजीसाइड इन ए कॉर्न फील्ड, जब हम फंजीसाइड अप्लाई करेंगे कॉर्न फील्ड पे तो ये फंजाई डाई कर जाएंगी, जब फंजाई डाई कर जाएंगी आफ्टर डाइंग फंजाई जो रेट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो डिक्रीज हो जाएगा, सो ओनली न्यू बायोमास इज एडिंग। तो हम कह सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फंजीसाइड इन ए कॉर्न फील्ड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस एंड नेट इकोसिस्टम प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रेट वुड डिक्रीज एंड नेट इकोसिस्टम प्रोडक्ट वुड इंक्रीज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कल बोन। चूंकि हम जानते हैं स्कल में होती है क्रैनियल बोन, क्रैनियल बोन, फेसियल बोन, ईयरोसाइकिल एंड हायोवायड बोन। हम जानते हैं फीमर जो होता है ये लेग बोन है, नेजल बोन ये फेसियल बोन है, फेस में पाई जाती है, एटलस जो होता है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टीब्रा है, और टीबिया जो होती है वो लेग बोन है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, स्कल बोन में आएगा नेजल बोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ रिमूविंग द लेयर ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड। इसका पहला ऑप्शन है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग थिक ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय। तो ये ऑप्शन गलत हुआ, पिकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब हम समझेंगे गैल्वनाइजिंग का मतलब क्या होता है, गैल्वनाइजिंग का मतलब होता है कि प्रोटेक्टिंग जिंक कोटिंग, प्रोटेक्टिंग जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। इसका चौथा ऑप्शन है पोलिंग, पोलिंग का मतलब होता है प्योरीफाइंग मेटल दैट हैव ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटी, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, पिकिंग, पिकिंग का मतलब होता है रिमूविंग द लेयर ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड पिकलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है,
Which wave phenomena make it possible for the player to hear the sound from the referee whistle in an open field even when standing behind the referee? तो इसका पहला ऑप्शन है डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू वेव सोर्स. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है. सेकेंड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिटर्न ऑफ लाइट और साउंड वेव फ्रॉम द सरफेस. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. तीसरा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ ए लाइट व्हेन ट्रेवल from one medium to an other medium. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. चौथा ऑप्शन है इसका डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है पॉसिबल टू हियर नॉइज ऑफ रोड इवन इन बैकयार्ड of building or standing behind the referee. तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है फिनोमिना टू मेक पॉसिबल हियर द साउंड फ्रॉम द रेफरी विसल इन एन ओपन फील्ड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड द रेफरी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली ऑब्जर्व्ड इन जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म. तो हम समझेंगे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है. व्हेन ए सोलर विंड, जब एक सोलर विंड कोलाइड करती है प्लैनेट से एट ए हाई स्पीड. जब एक सोलर विंड कोलाइड करती है प्लैनेट से हाई स्पीड से तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लैनेट डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड द ईयर पोल. इस वजह से जो होता है वो डिस्टरबेंस हो जाता है एटमॉस्फियर ऑफ द प्लैनेट में विद ब्रस्ट ऑफ द रेडिएशन एंड चार्ज पार्टिकल कॉल्ड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म. ये और क्या करता है? फ्लैक्चुएट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ को. और क्या करता है? ये डिसरप्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन को भी. माइक्रोवेव जो होता है प्रोपोगेशन नॉट अफेक्टेड बाय इट बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड यूज इन प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन. तो इसका हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि ये फ्लैक्चुएट करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ को. तो ये ऑप्शन करेक्ट है. डिसरप्शन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि माइक्रोवेव नॉट मच अफेक्टेड बाय इट क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और यूज होती है प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन में. इसका तीसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन डिसरप्ट करता है, ये सही है. इसका चौथा ऑप्शन है चार्ज पार्टिकल स्ट्रीमिंग आउट फ्रॉम द सन. तो ये भी ऑप्शन सही है.
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ एंटीरियर कैविटी ऑफ द आई बॉल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मतलब होता है कलरलेस फ्लूइड, कलरलेस फ्लूइड, फिल स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। दोस्तों ये हमारा हो गया लेंस, ये हो गई हमारी कॉर्निया, इधर वाला पोर्शन होता है रेटिना, ये मान लो ये हमारी आई बॉल है। तो ये वाला जो चैम्बर होता है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कैविटी ऑफ आई बॉल, और ये वाला जो चैम्बर होता है ये होता है पोस्टीरियर कैविटी ऑफ आई बॉल। तो इसमें होता है विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, और जो एंटीरियर कैविटी होता है आई बॉल का इसमें होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर में क्या होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, और ये स्पेस होता है बिटवीन रेटिना एंड लेंस, रेटिना एंड लेंस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीरियर कैविटी ऑफ द आई बॉल, इंटीरियर कैविटी ऑफ आई बॉल होगा एक्वस ह्यूमर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन। चूंकि हम जानते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ये कॉज करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चूंकि हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैल्यूम इन लीटर। चूंकि वैल्यूम इंक्रीजिंग वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीजेस। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मोलरिटी टू डिक्रीज। दोस्तों बाकी बचे क्वेश्चन का फुल डिटेल सोल्यूशन हम जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।